टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है। कहता है एक बॉडी 1 kg है और उस पर एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लग रहा है, एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है जो कि टाइम का फंक्शन है, ठीक है। और पावर डिलीवर बाय द दिस फोर्स एट टी टाइम बाद, टी टाइम बाद ये जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर वो कितना पावर डिलीवर करेगा। तो अगर मैं पावर निकालूं तो पावर का क्या होता है बेसिक इक्वेशन, वर्क डन अपॉन टाइम टी। तो मुझे टी टाइम में सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालें, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डीएक्स इस टाइप का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मुझे फोर्स पता होना चाहिए, या एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में नहीं, पावर, पावर निकालने के लिए देखो ये जो इक्वेशन है पावर यहाँ से निकल यहाँ से पावर निकालेंगे, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, तो ये एवरेज पावर देता है ना, एवरेज पावर देता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, फोर्स एफ डॉट बी, फोर्स एफ डॉट बी ये वाला लगेगा, ठीक है। पावर इज ए इंस्टेंटेनियस पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर ऑलरेडी यहाँ दिया है टी टाइम बाद, इसका मतलब ये हुआ कि टी टाइम बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लूँ, डॉट कर दूँ तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एवरेज पावर देता है, ये इंस्टेंटेनियस पावर देता है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, अब हमारा टारगेट है वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी कैसे निकलेगा फोर्स से भाई, तो जो है मास 1 kg है तो एक्सलेशन निकल जाएगा, उससे वेलोसिटी निकल जाएगा। एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपान मास, फोर्स कितना है यहाँ पर देखो 2t i कैप और प्लस 3t square j कैप, ठीक है, और डिवाइड कर दूँ मैं मास से, मास कितना था 1 kg, दिस इज द एक्सलेशन, ठीक है। अब यहाँ से मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं एक्सलेशन से, तो एक्सलेशन जो एक्सलेशन ए होता है उसको मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी एंड दैट इज मस्ट बी इक्वल टू टू टी आई प्लस 3t square j कैप, ठीक है, दिस इज, ठीक है, ये वो वेलोसिटी यहाँ से हमें पता चल जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। चलो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी db इज इक्वल टू 2t i कैप प्लस 3t square j कैप, दैट इज द dt। तो ये 2t square dt इतनी ही जो है वो, अब इसमें प्रॉपर लिमिट लगाएंगे, तो प्रॉपर लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो जब पार्टिकल था द बॉडी ऑफ मास एंड बिगेम अंडर द एक्शन ऑफ ए डिपेंडेंट फोर्स, व्हाट हैपन टू द पावर, टी टाइम बाद हमें पावर चाहिए। तो मान लो वेलोसिटी इज टाइम ऑफ फंक्शन, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी, मान लो जीरो था तो टी टाइम बाद वेलोसिटी इज ए टाइम ऑफ फंक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी इज ए टाइम ऑफ फंक्शन चाहिए, तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर दो तो 2t square upon 2 i कैप और प्लस i कैप प्लस यहाँ से 3t की पावर 3 और ये डिवाइड 3 और j कैप, ठीक है। तो ये 2 ने 2 को और ये 3 ने 3 को यार, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 square t square plus t की पावर q, दैट इज द j कैप, दिस इज द वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, टी टाइम बाद वेलोसिटी है, ठीक है। चलो तो अगर ये टी टाइम बाद वेलोसिटी इतना आ गया तो अब मुझे इसको निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट ले देते हैं फोर्स और इन दोनों का। तो फोर्स था 2t i कैप 3t स्क्वायर और इसके साथ वेलोसिटी के साथ डॉट ले लो, तो जो पावर आ जाएगा, फोर्स उधर से लाओ, फोर्स इधर आ जाएगा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, फोर्स डॉट, डॉट जो है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, t square i कैप प्लस t की पावर q j कैप, इन दोनों का डॉट करोगे तो i का i और ये 2t और ये t की पावर q प्लस 3t की पावर 5 j कैप, ठीक है, मतलब 2t की पावर q i कैप और 3t की पावर 5 j कैप, दैट इज द पावर, इतना वाट डिलीवर होगा 2t की पावर q, नहीं नहीं यार ये एक मिनट, बहुत बड़ा यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे i कैप j कैप नहीं आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट है ना भाई,
ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है आई का आई और जे का जे करते हैं, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जो है पावर है वो एक स्केलर मिलेगा, प्योर नंबर मिलेगा, ठीक है, तो आई के तो टू टी की पावर क्यू और 3t की पावर 5, मतलब 2t की पावर 3t, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है।